है वो कब खत्म होगी और इसका कितना परसेंटेज है कि कैसे कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, इसका खौफ बहुत ज़्यादा था। तो इस खौफ में काफ़ी चीज़ें ये थी कि लोग अपने घरों तक महदूद हो गए और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी उसमें भी इसको भी शार्ट किया गया था। ज़्यादातर डॉक्टर्स नर्सेस उनका तवज कोविड की तरफ था और जो इमरजेंसीज नहीं थी जैसे ओपीडीज थी या इस तरह, तो उनको लिमिटेड किया गया ताकि लोगों का एक्सपोजर कम हो और ये स्प्रेड नहीं हो। ठीक है, अब ये हुआ कि जैसे कोरोना हुआ तो जो लोग पहले ही कंट्रासेप्टिव ले रहे थे, जो जिनके पास ये मेथड था, तो उनको तो कंटिन्यू रखा क्योंकि तो फैमिली प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो उनका जो प्रोवाइडर है, एक लेने वाला दूसरा प्रोवाइडर, उसके पास उनके पूरे कॉन्टेक्ट होते हैं क्योंकि वो उनसे लेती रहती है कंटिन्यूस। तो उनके साथ जैसे फ़ोन पे टेली कम्युनिकेशन रही और किसी भी तरह के से वो अपनी चीज़ें लेकर उन चीज़ों को कंटिन्यू कर रही थी। दूसरी चीज़ ये थी कि हमने जो शॉर्ट टर्म मेथड जो इजीली अवेलेबल था, जो हम फार्मेसी से परचेज कर सकते थे, स्टोर से भी मिल सकते थे, जैसे हमारी ओरल पिल्स थी उसमें इसी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स थी, कंडम्स थे, इंजेक्शन जो लोग लगा रहे थे उसमें आजकल हमारे पास न्यू इंजेक्शन आई ऐसे या ना जो सेल्फ इंजेक्टेड है उस वो थी कि उस वो कुछ लोग उसमें भी ट्रेंड थे वो खुद भी लगा सकते हैं घर पे इस तरह। तो वो जो चीज़ें थी उनको हमने प्रोमोट किया कि आप लोग ये लगाओ, और जिनको हमने लॉन्ग टर्म मेथड जैसे ICDs दिया था या जिसके इम्प्लांट रखे हुए थे तो उनको ये था कि उनके जो साइड इफ़ेक्ट थे उनको ट्रीट कर रहे थे टाइमली, और उनके जो फ़ायदे थे उनको कंटिन्यू रखने के लिए कहा कि आप ये रखो। हाँ, कुछ वक्त के लिए हमने वो स्टेलाइजेशन वाला प्रोसेस जो ड्यूबलाइजेशन था वो कुछ टाइम के लिए बंद किया था जब तक SOPs आए, फिर जब ये टाइमली बेहतर हुआ अब इसको स्टार्ट कर लिया है विद SOPs के साथ। जी अच्छा, तो जो कोविड में फिर MSS ने यानी हमारी स्टोर्स ने वो हमने ये किया कि शुरू में पहले एक हफ्ते तो हमारे जितने भी क्लिनिक्स वो बंद हो गए कि कोरोना को हमें ज़्यादा वो नहीं करना था। तो क्या हुआ कि हमने सोचा कि जब गवर्नमेंट की तरफ यानी पब्लिक सेंटर में भी काफ़ी काम कम हो गया है और वो जो प्राइवेट मटर्निटी होम्स हैं वो भी बंद हो गए हैं और जो GPs हैं उन्होंने भी अपना काम कम कर दिया है, तो हमने ये सोचा कि हमारी पॉपुलेशन आखिर जाएगी कहाँ पर अगर उनको ज़रूरत है। तो फिर हमने मीटिंग की और हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी जितनी भी क्लिनिक्स हैं उनको खोलेंगे और जो हमारी आवाम है उनको हम ये सर्विसेज देंगे क्योंकि उनको इन सर्विसेज की ज़रूरत थी, और वो ख़ास करके वो तबका जो नॉन अफोर्डेबल था वो कहाँ जाता। तो बहरहाल हमने अपने स्टाफ से मीटिंग की और जितनी भी हमारी क्लिनिक्स हैं सब ने साथ दिया और ओके किया कि जी ये तो बहुत नोबल कॉज है कि हम अपनी पॉपुलेशन को सर्व करेंगे। तो हमने फिर वो अपनी क्लिनिक्स खोली विद ऑल SOPs, हमने PPE उनको यानी जो हमारे जो चीज़ें थी जिससे हम अपने आप को बचा सकते थे, मास्क और ग्लव्स और कोट्स और ये सब हमने उनको प्रोवाइड किया। हमने अपनी क्लिनिक्स खोली और वहाँ पे सर्विसेज देना शुरू की। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने प्रॉपर मेजर्स लिए और टेम्परेचर जो भी आता था उसका टेम्परेचर लिया जाता था और जो भी मतलब SOPs थे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया, और हम अपनी क्लिनिक्स पे जाके अपने स्टाफ के साथ बैठे कि ताकि वो लोग डीमोटिवेट ना हो, कि उनको पता चले कि हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो भी हमारे साथ हैं। फिर हमने उनका साथ दिया और जो क्लाइंट्स आते थे उनको सर्विसेज देते थे, तो इस तरह वो काफ़ी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिससे हमें एक सेटिस्फेक्शन हुई कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम जो है वो हमारी पॉपुलेशन के लिए, तो वो काम अच्छा हो रहा है और हमारी जो पॉपुलेशन है उसको सर्विसेज मुहैया की जा रही हैं और वो लोग ये सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग थी कि हम उनके काम आ रहे हैं। जी बिल्कुल सामईन, जब हम आज के दिन की बात करते हैं तो आज भी कोरोना का खतरा अभी भी है क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है जो वबा है वो अभी तक खत्म नहीं हुई और हमें अपना एहतियात अभी भी जारी रखना है। और जब हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की और आज का जो दिन मनाया जा रहा है वो भी माने अमल के तरीकों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन जब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि फैमिली प्लानिंग है क्या और क्यों ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? फैमिली प्लानिंग का मतलब ये है कि हम अपनी जो लाइफ है उसमें